तो सर मैं गया पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन चले गए? अरे तेरी, ये कहानी अब एक नया ट्विस्ट ले रही है। पहले मेरे को आपकी कहानी थोड़ी बोरिंग लग रही थी, अब तो इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आगे आगे सर, अभी ये पिछले एक साल की बात है, मतलब मैं लखनऊ में रहता था स्टडी के लिए, रूम रेंट पर लिया था, मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड भी था, तो 5000 रुपीज़ उसका रेंट था, तो मतलब वो वहाँ से छोड़ के चला गया। अभी सर मतलब सिर्फ 2000 रुपीज़ दिए थे, अभी मतलब 3000 रुपीज़ बाकी थे। अब सर मैंने अपने उसमें सीलिंग फ़ैन लगा रखे थे दो, मतलब रूम के अंदर। उसके बाद फिर क्या नाम है, मैंने कहा कि आंटी मेरे को छोड़ना है, तो बोल रही बाकी 3000 लाओ। लेकिन मैंने कहा कि अब मैं क्यों दूँ, मैंने तो अपने 2000 मतलब 500 और ले लो, 2500, उसके 2500 बचते, आपको उसको रोकना चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी गलती है, जाके उसको पकड़ो। मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो सर वो मेरे सीलिंग फ़ैन उन्होंने रख लिए, नहीं दे रही। सर मतलब मेरे सीलिंग फैन उन्होंने रख लिए, फैन रख लिया उन्होंने। और सर मेरे को बड़ी गुस्सा आई, मैंने कहा कि घर पे बताऊंगा, पापा लोग कहेंगे कि छोड़ दो यार, क्या करना मतलब। तो आप क्या सोच रहे हो, अपना बदला कैसे लोगे आप, ये बदले की आग आपके अंदर? हाँ सर वही वही, मुझे आपकी आंखों में खून नजर आ रहा है। सर बदला मैंने ले लिया। ले लिया कैसे? वो बता रहा हूँ सर कैसे। उसी पंखे से लटका दिया उनको। सर फिर मैंने क्या किया कि अब घर पे तो बता नहीं सकता था कि मतलब वो बोलेंगे छोड़ दो छोड़ दो। मैंने कहा कि नहीं यार, मतलब बड़ी मेहनत से आते हैं, तो मैंने ऐसे छोड़ना नहीं है इसको। तो सर मैं गया पुलिस मतलब स्टेशन। पुलिस स्टेशन चले गए? अरे तेरी, ये कहानी अब एक नया ट्विस्ट ले रही है। पहले मेरे को आपकी कहानी थोड़ी बोरिंग लग रही थी, अब तो इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आगे आगे सर मैं पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे एक अंकल टाइप के थे, तो उनको मैंने अपनी सारी मतलब स्टोरी बताई कि मतलब ऐसे सुन ली उन्होंने, इतना पेशेंस था उनके अंदर। हाँ सर। सर वो करते ही क्या है, खाली बैठे कौन थे वो, मतलब वो सलाखों के पीछे थे या इधर थे, इस साइड थे? पुलिस वाले को ही सुनाई ना? यस सर। हाँ ठीक है। तो सर मैंने उनको तो मैंने सर उनको अपनी सारी स्टोरी बताई और वो मतलब चलने के लिए तैयार हो गए। अच्छा। यस सर। वो गए आपके साथ फिर? यस सर। फिर मैं उनके साथ बाइक पर बैठ कर गया उनके घर पे, जो मतलब जहाँ पर मैं रहता था, जिन्होंने आपके पंखों पे कब्जा किया हुआ था। यस सर। आपके पंखों के साथ उन्होंने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया? सर वो टंगे हुए थे। सही सलामत वापस आए? सर वो टंगे हुए थे, उनकी इतनी हाइट नहीं थी कुछ। अच्छा, टंगे हुए थे। हाँ फिर? हाँ तो सर मैं वहाँ पर गया, उनके पूरे होश उड़ गए, ये कहाँ से ले आया। फिर वो अब मेरी बुराइयाँ बताने लगी उनको कि इसने ऐसा किया, ये देखो साफ सफाई नहीं करता है, ये वो करता है। तो सर ऐसे चलता रहा। फिर मैंने कहा, मैं शांत बैठ रहा था, मैंने कहा आंटी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो आपने करना है इनसे करो, जो करना है इनसे करो, इनसे करो। आंटी मैं बीच में कुछ नहीं करूंगा, आपको जो करना है इनके साथ में करो, मैं बाहर रहूंगा। मैं एकदम साइड में खड़ा था और वो। अच्छा, आप साइड में थे और वो बात। फिर उन्होंने क्या किया? एक मिनट यार, ठीक है चल रहा है ना, थोड़ा सी मजाक चल रहा है, हाँ मजा आ रहा है। हाँ ठीक है। फिर सर वो मतलब 10-15 मिनट उनको लगे वो आपस में समझाया। आप बाहर थे या वहीं बैठे थे? सर मैं अकेला नहीं छोड़ सकता था। फिर उसके बाद क्या हुआ 10-15 उसके बाद? फिर सर अब उन्होंने मतलब जैसे बात बूत करी होगी, तो वो मतलब पंखे वापस करने के लिए रेडी हो गई, मतलब खुश हो गई। कि आपने क्या काम किया है, पहले नाराज हो गई। हाँ। बाद में 15 मिनट बाद खुश हो गई। फिर खुशी खुशी उन्होंने आपको आपके पंखे लौटाए। लेकिन सर अब वो टंगे हुए थे, अब मतलब इलेक्ट्रिशियन को बुलाने में टाइम लगता, तब तक फिर वो कहीं उनका फिर से मूड ना बदल जाए वापस करने वाला। हाँ। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी कुछ करो। अभी मूड में आंटी। हाँ। वैसे मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं तो भाई आप लोगों का दिमाग गंदा है। हाँ। मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ। हाँ। सर उसके बाद फिर मतलब पड़ोस में एक मतलब वर्कशॉप टाइप का था, तो मैं वहाँ से अपने टूल्स लेकर आ गया। तब तक वो कहाँ थे? वो सर घर पे। वो दोनों अकेले थे? यस सर। आंटी का मूड कैसा था जब आप वापस आए? यार तुम गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो? फैक्ट्स की बेस पर बात हो रही है। हाँ। yes, फिर आप वापस आए टूल्स लेकर के? यस yes, सर। फिर सर मैंने अपने आप जल्दी जल्दी पंखे निकाले और मतलब अपने जल्दी से पैक करा। उन दोनों ने आपकी हेल्प नहीं करी? नहीं सर, वो बात कर रहे थे ना। वो बात कर रहे थे। कितनी देर लगी उनकी बात खत्म होने में? 30 मिनट्स। तब तक आप क्या कर रहे थे? उतार रहा था। पंखों में लगे हुए थे।
उसके बाद फिर सर मैं जब मतलब वो बाइक पे थे, मैं अपनी साइकिल पे था, तो वो आगे निकले। कौन, वो दोनों? नहीं सर, मतलब वो पुलिस वाले जो अंकल थे वो आगे चले गए। आंटी कहाँ थी? आंटी तो अपने घर में थी। अच्छा, घर में थी। ओ भाई, तो वो दोनों बाइक पे निकल गए, आप साइकिल पे? वो सर मतलब गेट पर थी, तो सर मैं अपनी साइकिल पे वो बैग लगा रहा था जिसमें वो फैन थे, तो वो कह रही काट दूंगी तुमको मैं। काट दूंगी तुमको मैं। सर मतलब जब तक वो थे तब तक तो कुछ खतरनाक। यस सर। तो सर फिर वो मतलब मैं निकलने लगा, काट दूंगी, तो मैंने कहा कि मैं कौन सा अब यहाँ पे आ रहा हूँ दोबारा वापस। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर इट। मुझे बाहर आ जाने दो इस कहानी से, मतलब इसके वो मूवी बन सकती है सर। पंखे वाला ला पंखे वाला ला। बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। प्लीज हैव अ सीट। फिर ऐसे में जा रही थी, एक अंकल बोले कि मेरी मतलब खोपड़े घुमाए, कह रहे रोटी क्यों नहीं खाती। एक मिनट, ये ज्यादा हो गया। मतलब आप वहां पे थे और ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया और खोपड़ी भी घूम गई पूरी।